ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द रिविजन ऑफ एस 550 रिलेटेड पार्टीज। तो अगर रिलेटेड पार्टीज के स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग की बात करें तो सबसे पहले रिलेटेड पार्टीज होता क्या है, उसके बाद ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगे रिलेटेड पार्टीज के रिगार्डिंग, राइट, एंड व्हाट आर द अदर रेफरेंसेज दैट इज गोइंग टू बी पॉसिबल हियर। ये तीन चीजें मेन है। तो अगर हम लोग बात करें कि रिलेटेड पार्टीज कौन है, हु आर द रिलेटेड पार्टीज, तो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग क्या बोलता है, ऐसे 550 क्या बोलता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई रिलेटेड पार्टी मतलब आप वो डेफिनेशन ले लीजिए जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर दिया हुआ है। तो ऑलरेडी FRF के अंदर रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन प्रेजेंट है, जैसे AS के अंदर है, कंपनीज एक्ट के अंदर है। लेकिन अगर एप्लीकेबल FRF के अंदर, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर रिलेटेड पार्टी को डिफाइन नहीं किया हुआ या फिर रिलेटेड पार्टी का बहुत मिनिमम डेफिनेशन दिया हुआ है, तब जाकर आप ऐसे 550 के रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन को यूज कर लीजिए, है ना। और ऐसे 550 का रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, तो ऐसे 550 का रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन दिया हुआ है कि मान लो मैं ऑडिट किसका कर रहा हूँ, एक रिपोर्टिंग एंटिटी का कर रहा हूँ। तो कोई भी ऐसा पर्सन अगर मेरे रिपोर्टिंग एंटिटी में कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, तो वो पर्सन मेरी एंटिटी के लिए क्या हो गया, रिलेटेड पार्टी हो गया। और अगर मेरा एंटिटी भी किसी दूसरे कंसर्न में, अगर मेरा रिपोर्टिंग एंटिटी भी किसी दूसरे कंसर्न में कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, तो वो भी क्या हो गया, वहां पे रिलेटेड पार्टी हो गया। या फिर कोई भी एंटिटी है जो जिसके अंदर कॉमन कंट्रोल है हमारे रिपोर्टिंग एंटिटी का, तो दो अलग अलग एंटिटीज हैं, कंट्रोल कॉमन है, राइट, वी हैव द कॉमन कंट्रोल, वी हैव कॉमन फैमिली मेंबर्स जो बिजनेस को चला रहे हैं, दोनों मैनेजमेंट को चला रहे हैं, वी हैव कॉमन की मैनेजर पर्सनल, तो वो भी क्या हो जाएगा, रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगे, वो दो एंटिटीज भी आपस में रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है दैट अगर एंटिटीज पार्टिकुलरली गवर्नमेंट के कॉमन कंट्रोल में है, स्टेट गवर्नमेंट के कॉमन कंट्रोल में है, रीजनल गवर्नमेंट के लोकल कंट्रोल में है, लोकल गवर्नमेंट के कॉमन कंट्रोल में है, सो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो वो रिलेटेड पार्टी नहीं होंगे, ठीक है ना, अनलेस एंड अंटिल की आपस में वो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या थी, तो मेनली था एक अपने को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना होता था। क्या करना होता था, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना होता था। फिर उसके बाद क्या डिस्कस किया था अपन ने, कि अपने को अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई करना, कि अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई करना, कि जो रिलेटेड पार्टीज के बारे में मैनेजमेंट ने नहीं बताया है अपने को उन रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। और तीसरी चीज, अगर ऐसा कोई रिलेटेड पार्टी अपने सामने आता है, अगर ऐसा कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अपने सामने आता है जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है या अब नॉर्मल वैल्यू का है, तो अपने को उसमें थोड़ा सा एम्फसाइज करना है। तो मेनली ये दो तीन चीजें थी जो अपने लिए इंपॉर्टेंट थी। और जब भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन होता है तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर का हाई रिस्क होता है, तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो नहीं अपने को ये आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग ने स्टैंडर्ड में देखा था। That is, अगर रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऐसे की बात करें तो अपन क्या करेंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि एंटिटी का रिलेटेड पार्टी के साथ क्या रिलेशनशिप है, अपन क्या करेंगे डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करेंगे टू आइडेंटिफाई द अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, अपन अलर्ट रहेंगे, है ना। जो भी रिलेटेड पार्टी का इन्फॉर्मेशन अपने को मिलता है अपन क्या करेंगे, उसको एंगेजमेंट टीम के साथ शेयर करेंगे, देन अपन ROMM आइडेंटिफाई करेंगे, एंड अपन क्या करेंगे रिस्पॉन्सेज टू द रिस्क डिसाइड करेंगे। तो इसके अंदर एक चीज क्या होती है कि नॉर्मली क्या होता है कि आप मैनेजमेंट से ना WR ले देते हैं कि आप हमें लिख के दो, डिटेल्स दो अबाउट द ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, अबाउट ऑल द रिलेटेड पार्टीज। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, कुछ ऐसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है जिसके बारे में मैनेजमेंट ने अपने को डिस्क्लोजर्स नहीं दिया है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है, आइडेंटिफाई करना होगा। और अगर अपन आइडेंटिफाई करते हैं तो अपन क्या करेंगे, अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर से कम्युनिकेट करेंगे। और अपने को अब शक होगा यार कि अगर एक अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो और भी हो सकती है, तो अपन मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बचे हुए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में भी हमें बता दीजिए, हम लोग और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, ज्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, रिस्क को रीअसेस करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। और अगर मैनेजमेंट उसके बाद भी क्या नहीं करती है, सर हमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में नहीं बताती है, बाकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में, तो हम लोग रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे। अब ये जो ट्रांजेक्शन्स है, अनआइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स है, अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, इनको अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो ऐसे 550 कहता है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको एग्जामिन करते वक्त आपको अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है, और अलर्ट रहकर आपने क्या करना है, रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न, जैसे कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने रेगुलेटरी अथॉरिटीज को सबमिट किया था, जैसे कि शेयर होल्डर रजिस्टर,
जैसे कि एंटिटी ने साल भर में जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज लिया था, अपने इंटरनल ऑडिटर्स रिपोर्ट, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, रिलेटेड पार्टी का रजिस्टर, तो इस तरीके से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्या है इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन एंटर होगा ना, तो ये देखना कहीं कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो नहीं है, क्या नहीं है फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो नहीं है। अब फ्रॉड रिस्क फैक्टर होने का चांस कब रहेगा? फ्रॉड रिस्क फैक्टर होने का चांस तब रहेगा अगर वो जो रिलेटेड पार्टी है या तो वो डोमिनेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, या जो रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन अपन ने एंटर किया है वो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ठीक है। तो ये दो सिचुएशंस ऐसी हैं जहां फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो सकता है, केस स्टडी के लिए ये इंपॉर्टेंट है ये दो फैक्टर्स। तो पहला रिलेटेड पार्टी का डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है। कैसे पता चलेगा कि रिलेटेड पार्टी का डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है? कि भाई मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेता है, रिलेटेड पार्टी रिवर्स कर देता है। जो भी मेजर डिसीजंस मैनेजमेंट को लेना होता है पहले रिलेटेड पार्टी के अप्रूवल चाहिए होता है। अगर रिलेटेड पार्टी की तरफ से कोई अप्रूवल आ गया तो कोई डिबेट नहीं होता, कोई बहसबाजी नहीं होता। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को ना रिव्यू किया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता, तो वहां पे बायसनेस का जो एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा है, तो वो इंडिकेट करता है कि रिलेटेड पार्टी का वहां पे क्या है, डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे घर में एक रिलेटिव है, ठीक है, हमारे घर में एक रिलेटिव है, रिश्तेदार है। अब उस रिश्तेदार का ना हमारे घर में डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है, कैसे पता चलेगा? और अगर वैसा है तो घर पर होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। कैसे पता चलेगा? मतलब हम लोग कुछ भी फैसला लेते हैं ना, वो रिश्तेदार आके फट से रिवर्स कर देगा। मैंने अपनी शादी का वेन्यू भी फिक्स किया ना, तो रिश्तेदार आके बोलेगा अरे शादी का वेन्यू यहां कैसे रख दिया, ये नहीं होगा ये होगा, तो इमीडिएटली क्या कर दिया, डिसीजन को रिवर्स कर दिया। कुछ भी करे घर में, मतलब कुछ भी करे, कहीं बाहर घूमने भी जाए तो पहले जाके रिलेटिव से पूछना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर रिलेटिव से, कि जा सकते हैं क्या। अगर रिलेटिव ने कुछ बोल दिया ऐसा करना है, ये पूजा करवाना है, यहां जाना है, ये करना है, तो करना ही पड़ेगा, तो वो क्या दिखा रहा है, उसका वहां पे डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है, ठीक है। उसके बाद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो अगर अपन ऐसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, जो कि नॉर्मल नहीं है, जो कि आर्म्स लेंथ प्राइस में एंटर नहीं किया गया है, जो कि अब नॉर्मल प्राइस में एंटर किया गया है, ट्रांजैक्शन अब नॉर्मल है, तो अपने को क्या क्या चीजें एग्जामिन करनी है? तो अपने को मेनली ना वहां पे तीन बातें एग्जामिन करनी है, बिजनेस रैशनल ऑफ द ट्रांजैक्शन, ऑब्जेक्टिव लॉजिक बिहाइंड द ट्रांजैक्शन। दूसरा अपने को ये देखना है कि वो जो टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन है वो मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन से मैच करता है कि नहीं करता। और तीसरी चीज अपने को देखनी है कि ट्रांजैक्शन की प्रॉपर अकाउंटिंग हुई है कि नहीं, ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं इन अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल एफआरएफ, ठीक है ना। मान लो कि परचेज का ऑर्डर दिया मैनेजमेंट ने, बट उस परचेज का कोई नीड ही नहीं है, उतना हैवी स्टॉक का नीड ही नहीं है, या उस इन्वेंट्री का अपने बिजनेस में रिक्वायरमेंट ही नहीं होता, तो वहां पे अपने को ये सारी चीजें देखनी होंगी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट एरिया अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, कि कौन कौन से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स अपने इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में परफॉर्म करने हैं। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में ना पांच चीजें आएंगी। सबसे पहले एज ऑडिटर मुझे अंडरस्टैंडिंग लेना होगा एंटिटी के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का, और मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी होगी। मैनेजमेंट से तीन चीजों के बारे में इंक्वायरी करनी होगी। पहला, कि पिछले साल जो मैंने रिलेटेड पार्टीज देखे थे उसमें कुछ चेंजेस है क्या। दूसरा, आपका रिलेटेड पार्टी के साथ रिश्ता क्या है। और तीसरा, आपने रिलेटेड पार्टी के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शन एंटर किया है। दूसरी चीज, आपने इंटरनल कंट्रोल्स किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रखे हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टीज। तीसरी चीज, मुझे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए अलर्ट रहना होगा, सावधान रहना होगा। चौथी चीज, जैसे रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन मिलेगा अपने एंगेजमेंट टीम के साथ शेयर करना होगा। और फाइनली, अगर फ्रॉड रिस्क फैक्टर है तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे, एविडेंसेस लेने होंगे, रिपोर्टिंग करनी होगी। तो सिंपल सी चीज है। तो मेनली अपने को यही सारे एरियाज याद रखने हैं इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर। लेकिन ऐसे 550 का जो इंटरलिंकिंग है वो काफी सारी चीजों के साथ है, जैसे कि कंपनीज एक्ट में सेक्शन 188 है जो रिलेटेड पार्टी का सेक्शन है, बेस सेक्शन है, तो सेक्शन 188 के साथ रेफरेंस आएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 है, इंड एएस 24 है जो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स का बात करता है, तो अपने को AS 18 वाले डिस्क्लोजर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, इंड AS 24 वाले डिस्क्लोजर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड कारों में भी आपने क्या किया था, रिपोर्टिंग डिस्कस किया था क्लॉज 13 के अंदर, कि अगर कंपनी ने कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंटर किया है तो वी हैव टू एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 188, 177 एंड AS 18। कभी कभी एग्जामिनर ने एकदम ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता है। ट्रिकी क्वेश्चन मतलब मान लो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, सपोज क्वेश्चन में ये पूछा खाली कि एक कंपनी है, ठीक है, ABC, एक दूसरी कंपनी है DEF,
और एबीसी क्या कर रहा है, डीईएफ में मान लो सिर्फ 5% शेयर होल्ड करता है, कितना शेयर होल्ड करता है, सिर्फ 5% शेयर होल्ड करता है, बट कंट्रोल करता है कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी, कंट्रोल करता है कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी, इसका मतलब क्या हो गया, ये कंट्रोल का डेफिनेशन में आ गया, क्या आ गया, कंट्रोल के डेफिनेशन में आ गया, ठीक है ना, कि कंट्रोल करता है कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी। तो जो हमारे ऐसे 550 में रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के हिसाब से अब यहां पे डीएफ क्या हो गई, एबीसी की रिलेटेड पार्टी। या फिर होल्डिंग सब्सिडी के डेफिनेशन को भी चेक करोगे तो डीएफ क्या हो गया, एबीसी का सब्सिडी हो गया, तो अकॉर्डिंगली क्या हो गया, डीएफ एबीसी का रिलेटेड पार्टी हो गया। तो अब ऑडिटर को डिस्क्लोजर्स चेक करना है कि कंपनी ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में सारा डिस्क्लोजर्स दिया है कि नहीं, एज रिक्वायर्ड अंडर AS 18, एज रिक्वायर्ड अंडर IND AS 24। ऑडिटर को ऐसे 550 में दिए गए प्रोसीजर्स चेक करने, परफॉर्म करने, तो ऑल दोस थिंग्स विल कम। बट एक बार क्वेश्चन पूछा था, यही पूछा था, ऐसा ही पूछा था, तो क्या किया उसने, इनडायरेक्टली पूछा कि एक कंपनी है, वो दूसरे कंपनी का बीओडी के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करता है, बट शेयर होल्डिंग कुछ ही नहीं है, बताओ कि एज ए ऑडिटर तुम्हारा क्या कंसिडरेशन रहेगा यहां पे, अगर वो कंपनी दूसरे कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन एंटर करते हैं। तो अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डीएफ क्या है, एबीसी का रिलेटेड पार्टी है, ठीक है, और अकॉर्डिंगली अपने को IND AS 18 या AS, यू नो, IND AS 24 या AS 18 के डिस्क्लोजर्स चेक करने होंगे, एंड अकॉर्डिंगली अपने को ऐसे 550 के प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे, ठीक है। तो वो चीज आ जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर वो तुमसे पूछे कि मान लो कंपनी ने अपने रिलेटेड पार्टी के साथ, कंपनी बिजनेस कर रही है सीमेंट का, कंपनी किसका बिजनेस कर रही है, सीमेंट का बिजनेस कर रही है, लेकिन कंपनी ने अपने रिलेटेड पार्टी को ऑर्डर दिया है, किस चीज का ऑर्डर दिया है, मान लो फार्मास्यूटिकल्स का ऑर्डर दिया है, दवाइयों का ऑर्डर दिया है, कंपनी की एक रिलेटेड पार्टी है जो मेडिसिन का धंधा करती है, और उस पार्टिकुलर कंपनी ने क्या किया है, सीमेंट कंपनी ने अपने रिलेटेड पार्टी को बहुत सारी दवाइयों का ऑर्डर दिया है, तो बताओ वहां पे क्या डाउट हो रहा है अपने को, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो अपने को देखना बिजनेस रैशनल है कि नहीं ट्रांजेक्शन का, तो वहां तो बिजनेस रैशनली एग्जिस्ट नहीं करता ट्रांजेक्शन का, तो वो क्या है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर। तो अकॉर्डिंगली ऑडिटर को क्या परफॉर्म करना होगा, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे, एविडेंसेस लेना होगा, रिपोर्टिंग करनी होगी। तो क्वेश्चंस किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है, ठीक है। सो दिस वी हैव टू रिमेंबर इन एस 550, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड।